अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम सीखेंगे अलिफ बा मीम का मखरज। बहुत आसान है, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। अलिफ हमारा मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है, जो बीच का पार्ट है मुंह का खाली हिस्सा, जबान और ऊपर का जो पैलेट होता है, ठीक है, उसके बीच का जो हिस्सा होता है वहां से हमारा अलिफ अदा होता है। अ अ अलिफ, ओके। इसके बाद है बा। बा हमारा होंठों का जो अंदर वाला पार्ट होता है, जहां पर हमारा लुआब यानी थूक लगा रहता है, ठीक है, उस पार्ट से बा अदा होता है, ठीक है। ये जो हमारा होठों का अंदर वाला पार्ट है, जो होठों का इनसाइड वाला पार्ट है, ये ठीक है, ये अंदर वाला जो पार्ट है जो हमारा थूक से गीला रहता है, यहाँ से बा अदा होता है। उसके बाद है मीम। मीम हमारा होठों का जो आउटर पार्ट है, ओके, यहाँ से हमारा मीम अदा होता है, जो सूखा रहता है, ठीक, जैसे ये हमारे होठ और ये आउटर पार्ट, ये जो आउटर पार्ट है, ठीक है, यहाँ से हमारा मीम अदा होता है। और दूसरे लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे वो भी कुरान पढ़ना आसानी के साथ सीख सके।